नाजरी, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम रजा सलीमी। मैं आज आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेके आया हूं जियो अमन के साथ। पाकिस्तान ग्रामर स्कूल मदीना टाउन फैसलाबाद के बच्चों ने इकबाल डे के हवाले से एक मुकाबला रखा हुआ है। उन बच्चों के अंदर क्या टैलेंट है और क्या सलाहियतें हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। हम इस मुल्क में अमन लाना चाहते हैं, हम इस मुल्क में अमन फैलाना चाहते हैं। तो नाजरीन, हर हफ्ते ये प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा जियो अमन के साथ। अब हम आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान ग्रामर स्कूल मदीना टाउन फैसलाबाद, यहाँ से ये प्रोग्राम आपको लाइव दिखाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ग्रामर स्कूल मदीना टाउन की मैनेजमेंट ने इकबाल डे के हवाले से एक प्रोग्राम का टीम दिया है। विल प्रोग्राम आपको पता है, ताकि आज की हमारी नस्ल को शायर मौजूद मुफक्कर पाकिस्तान डॉक्टर इलामा इकबाल के बारे में आगाही हो, जिसने अपनी शायरी के जरिए मुस्लिम कौम को रस्में शाहबाजी सिखाई। इससे पहले कि सवालों जवाब का सिलसिला शुरू हो, मैं शायर मशरक के दो खूबसूरत नाकिया शायर आपको सुनाना चाहता हूँ। वो दनाए सुबह खतब नुसर मौलाए खुद जिसने दुबार रहत बख्शा फुरों के बाद ये सीना नगाहे इश्क मस्ती में वही अवल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही कहा। तो जी मेरे साथ है आपके स्कूल की क्लास सेवन्थ की किताबा मुनीबा जमशेद, वो स्कूल की तरफ से होस्ट करेगी। तो आइए हम सवालों जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे पास दो ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। जी शुरू किया जाए, इवनिंग पर शुरू किया जाए। जी ग्रुप ए से मेरा पहला सवाल है, इलामा इकबाल के बुजुर्ग आला का इसमें ग्रामी क्या था? इलामा इकबाल के बुजुर्ग आला का इसमें ग्रामी क्या था? और जो बच्चे सही जवाब देंगे उसके ग्रुप के बच्चे तालियां बजाएंगे। जी आप बताइए। जी जी जवाब दुरुस्त हुआ। सवाल पूछेंगे जी प्लीज। आपके परदादा के कितने बेटे थे आपको बता दीजिए। जी कहां बच्चा बताएगा जी? जी बेटे चार बेटे थे। जी सवाल दुरुस्त है, जवाब दुरुस्त है। जी तालियां दी जाएंगे। जी ग्रुप के मेरा सवाल